यस हम लोग सर, का लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हो गया था। हम बोल रहे थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो, मतलब ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स जब क्या करे बॉडी, और थोड़ा सा अगर फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बॉडी जस्ट मूव कर जाएगा। मूव करने से पहले, अभी मूव किया नहीं है बॉडी, अगर मूव कर जाएगा वो तो डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो हम लोग का स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में जो हो रहा था वो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कोई भी इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है आप लोग का। तो याद रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना वो हमेशा और हमेशा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी बॉडी या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन रुका करके रखा है, मतलब क्या, उसके बाद बॉडी मूव कर जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ये चीज याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर चार ऑप्शन दे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मार के आना, या फिर उसके जगह स्टैटिक दे तो स्टैटिक, अगर लिमिटिंग रहे तो लिमिटिंग मारना है, अगर लिमिटिंग के जगह अगर स्टैटिक भी रहे तो स्टैटिक भी मार सकते हैं, रोलिंग, स्लाइडिंग और या फिर डायनेमिक, नहीं वो सब का वैल्यू कम होता है। नॉर्मल रिएक्शन के भी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले रिएक्शन के बारे में आपको बात किए थे कल हम, उसके बाद फिर नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात किए थे हम लोग। तो ये दोनों चीज आपको बढ़िया से जब हम लोग सोम पढ़ेंगे, इससे इसके बाद वाले जो सेमेस्टर होगा उसमें हम लोग का सोम में यही सारा चीज, रिएक्शन फोर्स ही सारा चीज है। तो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग हम बताए थे कि वेट जहाँ पे लग रहा है ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। एक फर्क क्या है नॉर्मल रिएक्शन और वेट में, वेट क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी का जो मास होता है ना वो मास एक नीचे की तरफ बॉडी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स की वजह से, और वही जो फोर्स है वही अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग वेट बोलते हैं किसी भी बॉडी का, जो क्या होता है स्मॉल m इंटू स्मॉल g, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वेट का वैल्यू। ठीक है, तो वेट और हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन में फर्क क्या है कि वेट बॉडी का हमेशा कहाँ लगता है, बॉडी कहीं पर भी हो किसी भी इंक्लाइन प्लेन में हो, बॉडी के हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ हमेशा, मतलब वाई एक्सिस, डाउनवर्ड वाई एक्सिस के तरफ लगता है, नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो बॉडी होगा उस बॉडी के अलोंग लगेगा, मतलब 90 डिग्री में लगेगा, हमेशा बॉडी के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली लगेगा अलोंग द बॉडी, और मेरा वेट हमेशा बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। बॉडी कैसे भी हो, तुम्हारा टिल्ट हो, हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो, वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ जैसे देख पा रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बॉडी किधर की तरफ है, एक इंक्लाइन प्लेन पे है, अल्फा एंगल से इंक्लाइन है हॉरिजेंटल से वो जो बॉडी है, उसके बाद हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन देखना कहाँ पे है, वो हमेशा अपने बॉडी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए हैं वो रखता है, मतलब क्या, हमेशा वाई एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल पे होगा, या फिर अगर डायरेक्ट हॉरिजेंटल में है तो डायरेक्ट वाई एक्सिस में ही होगा। तो ये हम लोग का क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतना किसी को कोई दिक्कत है क्या ये सब में, कोई किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। मान लेते हैं एक फॉर्मूला पढ़ना है आपको, मान लेते हैं देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, वेट और नॉर्मल रिएक्शन, तीन चीज होगा यहाँ पे। ठीक है, तीन चीज आपको याद रखना है कि एक तो वेट होगा, वेट का, वेट ऑफ द बॉडी को हम लोग डब्ल्यू से मान लिया है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ या एफ सफिक्स एफ लिख सकते हैं आप, फ्रिक्शनल फोर्स को याद रखिएगा, और नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल आर से मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर किसी भी कोई भी बॉडी अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे जो है ना हम लोग का, अगर है यहाँ पे जैसे कि एक बॉडी है दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, वो बॉडी कितना डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे है, वो अल्फा डिग्री पे है, वो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। ठीक है, मान लीजिए अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आपका बॉडी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा करके नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बॉडी देखिएगा पीछे की तरफ से आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना चाह रहा है, क्यों, एक इंक्लाइन प्लेन पे है। अब हम बोले थे कि कहीं पर भी बॉडी के मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है ना वही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या बोले, एक बार फिर से सुनिए, कि
जहां जहां पर भी बॉडी जिस डायरेक्शन में भी जाएगा, या फिर मोशन जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का होगा, उसके ऑपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यहाँ पे बॉडी देख के आपको पता लग रहा है कि ये जो बॉडी है ना मेरा, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है मतलब क्या कि उसको कोई अपोज करेगा, पीछे से ढकलेगा, नहीं तो फिर वो बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो मेरा पीछे की तरफ से अपोजिंग फोर्स जो लगता है वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लेट द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन अल्फा बी ए ग्रेजुअली इंक्रीज। क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ा गए तो क्या होगा, टिल द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस जो अल्फा वैल्यू है ना उसको हम लोग थोड़ा 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 बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। उसके बाद क्या बोला है, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन एट व्हिच बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही बात है कि अब मान लीजिए एक बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है, कहीं पर भी किसी इंक्लाइन प्लेन, मान लो इसी बॉडी में जो हम अभी दिखा रहे हैं वो बॉडी क्या है, स्टैटिक पोजीशन में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इंक्लाइन प्लेन था, जो एंगल अल्फा है मेरा इंक्लाइन एंगल, उसको हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो 30 डिग्री था, उसके बाद क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 70 डिग्री, क्या होगा, इंक्लिनेशन ज्यादा होने की वजह से बॉडी क्या करने लगेगा कि नीचे की तरफ स्लाइड करने लगेगा। तो ऐसा एक एंगल अल्फा का वैल्यू को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी थोड़ा देर में हम लोग 5 बोलेंगे, बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जब क्या हो जाएगा, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने स्टार्ट कर देगा, या फिर मूव करने नीचे की तरफ स्टार्ट कर देगा। एक बॉडी को अगर हम लोग स्टैटिक पोजीशन में नहीं रखे, जब जस्ट मूव करने लगेगा, उस समय जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी लिखाएंगे। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछिए। आया समझ में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या फिर कोई दिक्कत है बोल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर में फिर से आपको बताइए ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बॉडी दिख रहा है कि कोई एक बॉडी है आपका रुका हुआ है, हम दो बॉडी दिखा रहे हैं। देखिए एक बॉडी है मेरा एक इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये कभी तो आपका क्या नहीं होगा, इसमें कुछ आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बात ही नहीं होगा, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये बॉडी स्लाइड करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे जब हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा। जब एक एंगल पे रहेगा, इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा ना, अगर उस इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी क्या करे, स्लाइड करना स्टार्ट करे, कहीं पर भी अगर मान लीजिए ये जो है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री, अल्फा डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है, अल्फा डिग्री पे इंक्लाइन है, अगर वो बॉडी क्या करना चाह रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या करना स्टार्ट नहीं हुआ, स्लाइडिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अल्फा का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करा दे रहे हैं। ऐसा इंक्रीज कराओ कि क्या करे, वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे नीचे की तरफ, स्लाइड करना स्टार्ट करे। तो एक ऐसा एंगल जहां पे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, या फिर स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल बोल देते हैं। बात समझ में आया, या फिर किसी को डाउट है तो पूछो। हेलो, सर चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला देख लेंगे, वही सब जगह काम आएगा, वही हम लोग न्यूमेरिकल में लगाएंगे। तो ये अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, लिखना है क्या किसी को, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खाता में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लिखने वाली चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, आप लोग खाता में उतार लीजिएगा, न्यूमेरिकल जो देंगे उसको खाता में लिखना ही पड़ेगा फिर थोड़ा देर में। हो गया स्क्रीनशॉट, यस सर। ओके ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो दो चीज पढ़ना है, ठीक है, एक तो हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा देर में, अभी बहुत ये थोड़ा ये है, अभी भी कैलकुलेशन वगैरह है, बाद में पढ़ेंगे उसको। पहला जो है हम लोग का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको रिलेट करेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग 5 बोलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। अल्फा जो था हम लोग का एंगल ऑफ इंक्लाइन इंक्लिनेशन था, इंक्लाइन एंगल था। फाई जो होगा वो हम लोग का होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। फाई और अल्फा दोनों एक जगह पे हो सकता है, दोनों एक एक ही हो सकता है, कब, जहां पे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगा,
उस समय हम लोग फाइव को इक्वल करके बोल सकते हैं अल्फा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट का मतलब ही होता है कि किसी का रेशियो, तो रेशियो सेम का ही होगा, फोर्स का ही रेशियो होगा। तो अगर आपको बोले अगर डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन, या फिर व्हाट विल बी द डिफिनेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको क्या बोलना है, इट इज द रेशियो, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोले, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या फिर उसको कैसे डिफाइन करिएगा कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द रिएक्शन फोर्स, या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि यहाँ पे क्या, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे हम लोग डिनोट किए हैं, म्यू से डिनोट किए हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डिफिनेशन में, डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ही है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स का बात कर रहे हैं, जब मैक्सिमम फोर्स लगाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, एंड इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, नीचे लिखा हुआ है मैथमेटिकली, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। तो एफ क्या है मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स, आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो म्यू इक्वल टू क्या है एफ बाय आर, उसी को हम लोग टेन फाइव बोलते हैं। इसका प्रूफ बाद में है कि टेन फाइव कैसे आता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर इक्वल टू टेन फाइव, और फाइव यहाँ पे क्या है मेरा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसे आता है थोड़ा देर में पता लगेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना, डेफिनेशन फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग टेन फाइव, जहाँ पे फाइव मेरा क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सारा चीज लिख लीजिए आप, इसको लगेगा हम लोग को, ठीक है, ये सारा चीज लिखिए खाता में, तो फिर अभी कुछ समझ में आएगा नहीं, आप लोग खाता में लिख लीजिए इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो हम लोग रेजुलेशन ऑफ फोर्स पढ़े हैं उसका यूज करके ये क्वेश्चन भी करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ है नहीं, दो चीज का रेशियो है, क्या है, एक फ्रिक्शन फोर्स का और मेरा क्या है दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, दोनों का रेशियो ये है। नहीं आ रही, सर ब्लड आ रहा है थोड़ा, हाँ क्या आ रहा है आवाज, ब्लड ब्लड आ रहा है, ब्लड आवाज नहीं, पिक्चर अच्छा अब आ रहा है क्या, देखो तो जूम जूम इन कर दिए तो आना चाहिए, हम बोल दे रहे, देखो लिखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इतना भी लिख दोगे तो नंबर दे देगा। म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, एफ जहां पे क्या है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू को ही टेन फाइव बोलते हैं, म्यू को टेन फाइव बोलते हैं, याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू नॉट फाइव, म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव, याद रखना, बढ़िया से बोल रहे चीज, बार बार बोल रहे हैं, म्यू इक्वल टू टेन फाइव होता है, ना कि हम लोग का फाइव होता है, ठीक है, वहां से हम लोग फाइव को निकालेंगे। अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में हमको अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो तब जाकर के फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू होगा, ना कि म्यू इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव बोलना है या फिर एफ बाई आर बोलना है, और एफ वहां पे अप्लाइड फोर्स नहीं है, बार बार ये सारा चीज हम बोल रहे हैं, डिफरेंस है अप्लाइड फोर्स में, रिएक्शन फोर्स में, और तुम्हारा एक फ्रिक्शन फोर्स में, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों को मिला मत देना, सबको अलग अलग रखना है, नहीं तो फिर डिफरेंस पता नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। चले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हो गया लिखना सबका, यस अच्छा चलिए एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर समझ में आएगा, उसके बाद दो दो फ्रिक्शन पढ़ेंगे, इससे ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट, ये जो क्वेश्चन है ना ये 8.1, एक बार हम सर पढ़ दे रहे क्लियर हैं, नेटवर्क तो ठीक है, आप लोग अपना थोड़ा क्लियर नहीं दिख नेटवर्क, रहा है सर, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, यस सर क्लियर नहीं हो रहा है, अब दिख रहा है क्या, देखो तो,
अच्छा हम बोल दे रहे, लिखिए खाता में लिखिए, रेडी है ना सबके पास खाता? क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिए 8.1 में। अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन। अच्छा एक चीज और बताना भूल गए थे क्या, कि फ्रिक्शन हमेशा रफ सरफेस पे ही होता है, स्मूथ सरफेस। अगर बोल दे आपको नेगलेक्टिंग द फ्रिक्शन मतलब क्या है, या फिर बोल दे कि द सरफेस इज स्मूथ, तो फिर वहां पे आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है, ठीक है? आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि रफ रफ सरफेस है, तो आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, या फिर फ्रिक्शन को इंक्लूड करना है। अगर आपको बोल दे कि नहीं वहाँ पे सरफेस जो मेरा है वो स्मूथ है, एकदम सपाट है, तब जा करके आपको वहाँ पे फ्रिक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। अगर रफ बोल दे तो आपको यूज करना है, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन है? अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन। इतना लिख लिए। यस सर। अ बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन हैविंग अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। फिर बोल रहे हैं हैविंग अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3 फुल स्टॉप। म्यू का वैल्यू दे दिया है आपको, कितना? 0.3 दिया है। आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद लिखना हो गया ये हैविंग अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3। उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मतलब कि मेरा कितना अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे, व्हिच कैन मूव द बॉडी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कोमा व्हिच कैन मूव द बॉडी कोमा व्हाइल WHILE व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री, व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजेंटल फुल स्टॉप। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं आप, विच कैन मूव द बॉडी, जो क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है बॉडी को, व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। व्हाइल का मतलब किसका बात कर रहा है? वो उसी फोर्स का बात कर रहा है। क्या है जो फोर्स मेरा क्या है, 25 डिग्री है, किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ बनाया हुआ, ठीक है? इतना लिखो, सॉल्यूशन देखना नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग कैसे जैसे करते थे खाता में वैसे ही करेंगे। फिगर बनाया हुआ है मेरे पास, फिगर एक बार देख लो क्या क्या दिया हुआ है, फिगर भी ड्रॉ कर लो, इतना ड्रॉ कर लो, ये फिगर दिया हुआ रहेगा आपको, फिगर ड्रॉ कर लेना, ये फिगर दिया हुआ रहेगा आप लोग को। उसके बाद अप्रोच कैसे लेना है वो बताएंगे हम खाता में लिख के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कैसे अप्रोच करना है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं बता रहे हम, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है पहले आपको समझना है कि कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करना है आपको उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, तब जाके आपको सुविधा होगा। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगेगा, इससे पहले जो हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़े हैं ना उसी का कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। इसी वजह से बोल रहे थे वो सब चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं सिर्फ आज के काम के लिए नहीं है वो आपका फ्यूचर के लिए भी बहुत काम आएगा। कभी भी कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ये बहुत जरूरी है। आज कोई भी एग्जाम देने जाइए आप, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाइए, ये सारा क्वेश्चन आता ही है, फ्रिक्शन एक हेलो सर, चैप्टर ही है। हाँ बोलो बोलो, आंसर सर 87.1 न्यूटन सर। कितना आ रहा है? 87। यस सर। ओके ठीक है, गुड ठीक है, हम लोग भी करेंगे इस तरह, दिक्कत नहीं है। हो गया ना लिखना सबका? ओके यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। ये सारा क्वेश्चन करना है आप लोग को, ठीक है? ये जो सब्जेक्ट है ना, इससे आपको ना, अगर आपको अगर कभी अगर गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करना है, तो आप देखिएगा ये सारा चीज फिर से आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ेगा ये सारा चैप्टर, क्योंकि ये बेसिक क्या है, फिजिक्स ही तो है, उतना टफ तो कुछ है नहीं। देखिए ये यही यही फिगर है हम लोग के पास,
फिगर दिख रहा है क्या आप? यस सर यस सर देखिए बढ़िया से देखिएगा हम किए क्या है, फिगर को आप लोग बढ़िया से ड्रॉ किए हुए होंगे शायद। तो मेरा जो रेड पेन से है ना वो सारा चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में, रेड वाला, और ब्लैक वाला हम खुद से यहाँ पे किए हैं। तो इजी है, रेड वाला हम ड्रॉ किए हैं, क्या किए हैं, नीचे की तरफ मेरा वेट, बॉडी ऑफ द वेट क्या है, बॉडी कौन सा, जो वो रेक्टेंगल टाइप का है ना, एक रेक्टेंगल टाइप का जो है ना वो मेरा एक बॉडी है, उसका वेट कितना है मान लीजिए 300 न्यूटन जो दिया हुआ है। उसके बाद अब बॉडी क्या है, हम क्या बोले थे कि कभी भी बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ वर्टिकली नेगेटिव वाई एक्सिस में लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी का कितना डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल से ऊपर की तरफ लगता है, ये चीज बोले थे। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी हॉरिजेंटल में है, हॉरिजेंटल एक्सिस में है, इसी वजह से उसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगा, उसके नॉर्मल का मतलब भी होता है उसके बॉडी कितना डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री। नॉर्मल अगर कहीं पे आपको अगर बात कर रहा है ना तो उसका मतलब भी होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। किस पे 90 डिग्री, जिस बॉडी का बात कर रहे हैं उस पे 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं आप कि उस बॉडी पे 90 डिग्री से ऊपर की तरफ हमेशा, ठीक है, नीचे तो लग रहा है मेरा वेट और ऊपर की तरफ उस बॉडी पे। अभी देखिएगा, अभी ये तो हॉरिजेंटल है, जब हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे बात करेंगे देखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन और मेरा वेट जो होगा वो दोनों का डायरेक्शन एकदम अलग होगा, ऑपोजिट तो होगा ही लेकिन कुछ इंक्लाइन में ही भी होगा। वेट मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस वाई एक्सिस में होगा, और यहाँ पे जैसे मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इंक्लाइन प्लेन पे कैपिटल आर का वैल्यू, आर का डायरेक्शन वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि बॉडी मेरा हॉरिजेंटल में है इसी वजह से आर डायरेक्शन मेरा वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए बॉडी का डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी हमको कैलकुलेट करना है। अप्लाइड फोर्स किधर की तरफ लग रहा है या फिर बॉडी किधर की तरफ मूव करना चाह रहा है, ये चीज बताओ हमको पहले, कोई बोलो, बॉडी किधर की तरफ मूव कर रहा है, बाएं की तरफ या दाएं की तरफ मूव करना चाह रहा है? बाएं किधर? दाएं की तरफ। लेफ्ट लेफ्ट बाया लेफ्ट क्यों, लेफ्ट लेफ्ट क्यों बोलो? सर, क्योंकि राइट साइड से 25 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है। देखो अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पे मेरा, एक चीज बताओ अप्लाइड फोर्स क्या है, पी, कैपिटल पी है जिसको ही फाइंड आउट करना है। अप्लाइड फोर्स कौन सा फोर्स लगा रहे हो, किसी एक एंगल पे एक कोने पे ले लिया, बॉडी का कोने में एक रस्सी लगा दिया, तुम अब रस्सी को क्रेन से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वो जो रस्सी का, रस्सी में जो फोर्स लग रहा है ना वो मेरा अप्लाइड फोर्स है। तो बॉडी तो मेरा दाएं की तरफ जा रहा है, उस दाएं की तरफ जाने के लिए एक कोई फोर्स लग रहा है सरफेस पे, बॉडी के सरफेस में और इनर सरफेस पे जो नीचे वाला सरफेस है और जो मेरा ग्राउंड का रफ सरफेस है, उस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट में लगेगा, एक चीज यही है और कुछ है नहीं। वो जो हम एफ सफिक्स स्मॉल एफ दिखा है ना वो कहाँ दिखा है, देखिएगा वो ग्राउंड सरफेस से हम वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब हॉरिजेंटली ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्या है, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हम जान रहे हैं बॉडी कहाँ की तरफ जा रहा है, वो मेरा हॉरिजेंटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बॉडी मूव कर रहा है। तो हम मेरा क्या होगा, बॉडी को कोई अपोज करने वाला फोर्स लगेगा, अगर रफ सरफेस है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया है ये एक रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस अगर है तो वहां पे फ्रिक्शन इंक्लूड होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरा चूंकि बॉडी किधर की तरफ, दाएं की तरफ चल रहा है, बॉडी दाएं की तरफ क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरा अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ है, हो सकता है कुछ इंक्लाइन प्लेन में हो, फोर्स का बात करें बॉडी नहीं, बॉडी मेरा हॉरिजेंटल पे ही है लेकिन फोर्स कहाँ है मेरा, एक इंक्लाइन प्लेन में है लेकिन डायरेक्शन तो मेरे दाएं की तरफ ही है, या फिर उस फोर्स की वजह से बॉडी का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वजह से। लेकिन उस फोर्स को कोई अपोज करेगा या काउंटर अटैक करेगा, कौन, उसका नाम है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर बॉडी और
जो ग्राउंड सरफेस है वो अगर रफ है, अगर रफ नहीं है तो फ्रिक्शन का बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसी वजह से फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम नेगेटिव एक्सिस के तरफ दिए हैं। इतना समझ में आया, बताओ पहले, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग बात कहीं इसमें। तो आपको बॉडी का डायरेक्शन या फिर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन देख के आपको समझना है कि बॉडी किधर की तरफ मूव करना चाह रहा है या फिर मूव कर रहा है, उसी हिसाब से करना। आप ऐसा बोलिए कि नहीं हम खींच के तो ऊपर की तरफ बॉडी को लेके चल जा रहे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी तो हम लोग ना नॉर्मल का या फिर अप्लाइड फोर्स का जो है हम लोग उसका कंपोनेंट ए कर लिया। हम लोग कुछ फोर्स मेरा किधर की तरफ लगेगा, हॉरिजेंटल की तरफ, कुछ वर्टिकल की तरफ लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स जो मेरा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ही लग रहा है। ये चीज करना है, क्योंकि बॉडी को आपको हॉरिजेंटल से या फिर आपका बॉडी और ग्राउंड के बीच में फिर डिस्टेंस नहीं करना है, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बॉडी टच में है, कॉन्टेक्ट में ही है, तो कॉन्टेक्ट में अगर है तो बॉडी कॉन्टेक्ट में ही मूव करेगा। ऐसा नहीं आप सोच रहे कि बॉडी तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो आगे वाला पोर्शन उठ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिनेशन है कि ये बॉडी सरफेस पे ही मूव करेगा। अगर सरफेस पे दाएं की तरफ मूव करेगा तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा बाएं की तरफ, ठीक है। इतना फोर्स का डायरेक्शन सेम, ठीक है, ये सारा फोर्स का डायरेक्शन। अभी सिर्फ हम एफ सफिक्स एफ का बात किए हैं और कैपिटल पी का बात किया, अभी पी कॉस 25, पी साइन साइन 25 कैसे आया उसका बात नहीं कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस कुछ अगर दिक्कत है तो पूछो, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, कैसे आया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ क्यों आया, ये चीज पता समझ में आया। सबको समझ में आया ना, कोई लड़का लोग कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा सर अच्छा चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को देखिए कहीं पर भी ना, हम ये चीज आपको पहले भी बताया थे जब रेजुलेशन ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे, कि अगर आपका कहीं पर भी कुछ फोर्स अगर किसी एंगल पे लगा लग रहा हो तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसको आप रेजुलेट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बना लीजिए, उसके बाद आपको बहुत सुविधा होने वाला है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे, जो मेरा पी फोर्स अप्लाइड फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स को हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे। तो आपको आता ही है जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ फोर्स एंगल बनाता है उस एक्सिस में क्या हो जाएगा आपका कोस वाला कंपोनेंट, और दूसरे वाले एक्सिस में क्या आ जाएगा साइन वाला कंपोनेंट। इतना याद है कि सब भुला गया है, याद है? यस हेलो, सर यस सर याद याद यस याद है ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, यस सर याद है याद। हाँ याद रखना है सब, क्योंकि आज फिर भुला जाओगे तो फिर ये सारा चीज भूल जाएगा, ये बेसिक चीजें हैं। तो हम लोग का देखना के डायरेक्शन भी देखना है आपको, ये चीज सारा वो याद है आपको रिजोल्विंग फोर्सेस से, क्योंकि पी मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ लग रहा है, इसी वजह से मेरा पी कोस का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स के तरफ, और मेरा पी साइन 25 डिग्री का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ लगेगा। अब क्या कर दीजिए, जैसे हम लोग करते थे फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स करके जीरो करना है, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई करके जीरो करना है। दो इक्वेशन मिलेगा और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, वो सारे वैल्यूज को यूज करके कैपिटल का वैल्यू आपको लगाना है। तो पहला समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स करना है आपको, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, रिजोल्विंग द फोर्सेस हॉरिजेंटली, मतलब क्या किए हम लोग, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, समेशन एफ एक्स वाई एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर जीरो करना है आपको। क्या क्या लग रहा है एक्स एक्सिस में, एफ 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 लग रहा है और पी कोस 20 डिग्री लग रहा है, ये दोनों, तो और कुछ लग रहा है क्या एक्स एक्सिस में, कोई फोर्स लग रहा है और बोलो। नो सर यस सर, तो
बस उसके हिसाब से ही आप लोग प्लस माइनस कर लीजिएगा साइन। हम नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ वाले फोर्स को नेगेटिव माने हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले फोर्स को पॉजिटिव माने हैं। तो क्या किए हैं, माइनस एफ एफ प्लस पी कोस 20 इक्वल्स टू जीरो फॉर द कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाला क्या आ गया यहाँ से, एफ एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया यहाँ से, पी इंटू कोस 25 डिग्री। मतलब हम लोग का फ्रिक्शन का फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, पी इंटू कोस 25 डिग्री। ये इक्वेशन वन मान लिए। सिमिलरली क्या करते हो आप, वाई एक्सिस वाले फोर्स को समेशन करके जीरो कर दो। नाउ रिजोल्विंग द फोर्सेस वर्टिकली, मतलब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए। क्या क्या लग रहा है मेरा एफ वाई में, वाई डायरेक्शन में, एक तो मेरा क्या है 300 न्यूटन फोर्स है, एक कैपिटल आर है, और एक क्या है पी साइन 30 डिग्री। इसके अलावा और कुछ है क्या, देखो तो देख के बताओ, तीन ही फोर्स है कि चार फोर्स है, और कुछ है देख के बताना जरा। वेट लग रहा है बॉडी का, तीन हाँ तीन ही है, उसके बाद कर दीजिए। तीन फोर्स लग रहा है, जो पॉजिटिव वाई की तरफ पॉजिटिव फोर्स मान लीजिएगा, नेगेटिव वाई की तरफ नेगेटिव फोर्स मान लीजिएगा, वही किया हम। कैपिटल आर मेरा क्योंकि पॉजिटिव वाई की तरफ लग रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखे हैं, प्लस पी साइन 25 डिग्री क्योंकि वो पॉजिटिव वाई की तरफ लग रहा है इसी प्लस प्लस लिखे हैं, उसके बाद माइनस 300 क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस में लग रहा है इसी वजह से माइनस लिखे हैं, इक्वल टू करके जीरो करने। उसके बाद क्या करना है, वो जो 300 माइनस है उसको राइट साइड में कर देंगे, आर प्लस पी साइन 25 डिग्री इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, दो नंबर मान लेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली कैपिटल पी, आर को वहां से बाहर करना है, आर को आपको रखना नहीं है। ठीक है, आर मतलब क्या है मेरा, रिएक्शन फोर्स। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ से क्या करना है आपको, दिया है जो, देखो दो तीन चीज आपको माइंड में हमेशा रखना है जब भी न्यूमेरिकल करना है, कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है आपको और क्या क्या आप क्वेश्चन से कैलकुलेट कर पा रहे हो, दोनों को कंबाइन करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख रहे हैं यहाँ तो और आर कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं, आपको फॉर्मूला जो आपको पहले से क्लास में कराया गया उसका यूज करना है, और क्या करना है जो क्वेश्चन में अवेलेबल डेटा दिया हुआ रहेगा उसको यूज करना है। हम लोग जानते हैं कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 0.3, मतलब क्या उसको यूज करना है आपको। हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वहां से हम लोग क्या किया है, फ्रिक्शन फोर्स को निकाल चुके हैं म्यू इंटू आर, म्यू का वैल्यू हमको 0.3 मालूम है, और कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर हम लोग को पता नहीं है उसको वहां से खत्म करना है, इसी वजह से हम लोग इसी का सहारा लेंगे, म्यू इज इक्वल टू एफ बाई आर। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर आ गया, तीन नंबर इक्वेशन इसको मान लीजिए। अब क्या करिए, एक नंबर और तीन नंबर के बीच में देखिए, तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है उसके जगह म्यू इंटू आर लिख सकते हैं क्या, देखो तो बढ़िया यस से सर, देख, बस तीन नंबर और दो एक नंबर के बीच में यहाँ से म्यू और आर का जो रिलेशन है उसको खत्म कर दीजिए, एफ के जगह हम लोग क्या लिख दिए म्यू इंटू आर, म्यू का वैल्यू कितना रख दिया हम 0.3 इंटू आर, तो यहाँ से आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या पी के टर्म में, पी इंटू जो था मेरा एक नंबर इक्वेशन में पी इंटू कोस 25 डिग्री इंटू एफ था इज इक्वल टू एफ था, एफ के जगह म्यू इंटू आर कर दिए, म्यू का वैल्यू 0.3 रखे इंटू आर किए, यहाँ से आर का वैल्यू पी के टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, उसको चार नंबर इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू पी इंटू कोस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.3, इससे मल्टीप्लाई था आर से उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर चार मान लिया। अब क्या करिए, दो नंबर और तीन नंबर इक्वेशन में क्या करिए, दो नंबर इक्वेशन में जो चार नंबर इक्वेशन है मेरा, आर का वैल्यू दो नंबर इक्वेशन में बैठा दीजिए, वहां से देखिएगा सिर्फ पी और पी रहेगा, इजी आ गया। अब क्या कर दिया हम, तीन नंबर और चार नंबर, तीन नंबर और दो नंबर, चार नंबर और दो नंबर को हम लोग क्या कर दिए कंबाइन कर लिए, आर का वैल्यू दो नंबर इक्वेशन में आप बैठा दीजिए सिर्फ चार नंबर से, तो आर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे पी इंटू कोस 25 डिवाइडेड बाई 0.3, ये लिखे हम आर, उसके बाद प्लस क्या है पी इंटू साइन 25 डिग्री इज इक्वल टू 300 है, यहाँ से पी एक ही है, अब सारा तो 25 कोस 25 का वैल्यू आपको पता है कैलकुलेटर में, साइन 25 का वैल्यू पता है डिवाइडेड बाई 0.3 है इसको भी पता है, आप यहाँ से देखिएगा पी का वैल्यू 87.1 न्यूटन आएगा,
यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है ये सारे इक्वेशन को अरेंज करने में? ये सारा सिर्फ अरेंज है, कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट पहले ही था किधर क्या डायरेक्शन किसका किधर लगेगा। हो गया क्या? एक होमवर्क भी देंगे, होमवर्क भी कल कल क्लास में देना सर हो गया, हो गया सर। कोई स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा नो सर, अच्छा म्यू म्यू का कोई यूनिट होगा क्या? ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ यूनिट होगा क्या, कोई बोलो तो। है समझ के बोलना, ऐसे बेवकूफ की तरह मत बोलना। कोई यूनिट होगा म्यू का? म्यू क्या है? दो फोर्स का क्या है रेशियो है, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सर तो न्यूटन होगा? न्यूटन नो सर, कैसे ऐसे होगा? नहीं होगा सर, न्यूटन ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं होगा। ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यस फ्रिक्शन सर, फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मान लीजिए 15 न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन ऊपर नीचे तो कट गया, यस तो क्या हो जाएगा? म्यू इज ए यूनिटलेस है। ठीक सर, है, स्ट्रेन आप लोग पढ़े हैं शायद, फिजिक्स में पढ़े हैं क्या स्ट्रेन? हाँ यस सर, उसका कुछ यूनिट होता है क्या? नहीं नहीं। नो सर, इसी तरह क्योंकि वो दोनों का क्या है कि वो एक ही चीज का एक ही कोई सेम डायमेंशन का रेशियो होता है। कोई भी अगर चीज सेम डायमेंशन रेशियो होना तो वो कैंसिल आउट होकर के वो यूनिटलेस हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटलेस। आपको अगर कोफिशियन ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है तो वहां पे बोलना है, या फिर स्ट्रेन बोले वहां पे देना है, ये सारा चीज याद रखे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। आप नहीं करिएगा खुद से तो फिर देखिएगा सीख नहीं पाइएगा आप चीज को। वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किए हैं, बॉडी का मास दे दिए। ठीक है, बॉडी का मास को हम 100 kg मान लिए। अब अगर 100 kg मास है तो उसको स्मॉल जी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.81 से, तो मेरा वेट मिल जाएगा बॉडी का, जो मेरा 300 न्यूटन था ना वहाँ पे, वो मिल जाएगा आपका। निकाल लीजिएगा ना वेट बॉडी का नीचे की तरफ जो लगा हुआ था थोड़ी देर इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यस सर, तो वो कर लीजिएगा। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है बताओ सभी कोई? तो 9.8, वो क्या यूनिटलेस होता है क्या? नो सर, बताओ क्या होता है यूनिट उसका? 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एक एक्सेलरेशन है। तो स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम चीज कितना बार समझाए तुम लोगों को कि कोई भी चीज किसी तरह का भी फोर्स हो उसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगा? न्यूटन ही होगा। रिएक्शन फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, पॉजिटिव फोर्स हो, नेगेटिव फोर्स हो, अगर फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या फिर रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, उसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। तो आपको पहले काम क्या करना है, आपको वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ जो वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस में लगेगा उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जैसे जैसे कि ये सारा स्टेप सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा बॉडी किधर की तरफ जा रहा है और आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर करना है, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं है। देखिएगा ये बॉडी का डायरेक्शन उल्टा तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा तरफ लगेगा। हम फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नहीं दिए हैं, ये आपको खुद को करना है, समझ के करके व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चेक करेंगे। समझ में ओके आया? सर, यस सर, यस ओके, ट्राई करके ये करना है, व्हाट्सअप करना है आपको पर्सनल नंबर पे। ठीक है, लिखना हो गया क्या?